2.0 की रिलीज को लेकर अब एक नया ही बवाल शुरू हो गया है। पहले हमने आपको बताया था कि 2.0 की रिलीज को लेकर फिल्म के डायरेक्टर शंकर और प्रोड्यूसर के बीच मनमुटाव शुरू हो गया है, लेकिन फिल्म के हीरो रजनीकांत ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इस विवाद को अब शांत करा दिया है। और खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज करने की फिराक में हैं। लेकिन आमिर खान ने 2.0 की दिवाली रिलीज पर बड़ी भांची मार दी है। दरअसल दिवाली के मौके पर 2.0 की रिलीज करना मेकर्स को फायदे का सौदा लग रहा है, लेकिन इस बार उनके सामने आमिर खान अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर तैयार हैं। जी हां, आमिर अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को दिवाली के मौके पर ही रिलीज कर रहे हैं, और ऐसे में अगर रजनीकांत की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म के सामने खड़ी होती है तो इसमें आमिर खान की फिल्म का ही नुकसान है। इतना ही नहीं, रोबोट 2 के मेकर्स आमिर के पास अपनी फिल्म की रिलीजिंग डेट को आगे करने का ऑफर लेकर गए थे। आमिर खान ने ये ऑफर ऑन द स्पॉट ही ठुकरा दिया, क्योंकि आमिर नहीं चाहते कि उनकी फिल्म के सामने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार की फिल्म क्लैश करे। आमिर की माने तो उनकी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को दिवाली के दिन रिलीज करना उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। ऐसे में उनके साथ अगर कोई दूसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लैश ना करे तो ये दोनों ही फिल्म के लिए बेहतर होगा। इस बार आमिर खान को अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान पर पूरा भरोसा है कि फिल्म उन्हें एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस का किंग बना देगी। और ऐसे में अगर रजनीकांत की 2.0 बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होती है तो आमिर के लिए ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा, जिससे यही जाहिर होता है कि 2.0 अब इस साल की दिवाली पर भी रिलीज नहीं होगी और अब फिर से मेकर्स को फिल्म की रिलीज के लिए माथा पच्ची करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि 2.0 के मेकर्स क्या फाइनल डिसीजन लेते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट कपचप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।